मंडप में तोता मैना को लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर तोता मैना देखने को मिलता है, और इसे इको साउंड प्रूफ बनाया गया है। इसमें जो हमारा आवाज़ है वो बिल्कुल, अगर हम आराम से बोलते हैं तो भी यह गूंजने लगता है। चलते हैं यहाँ से कैद खाने की तरफ, और जो सवा मंडप है और भर्तृहरि जी का मंदिर है वहाँ चलते हैं। तो फिर आप लोग देख पा रहे होंगे सीढ़ी जैसा कुछ नहीं है, समीप से दिखा देते हैं आपको। तो ये कुछ इस प्रकार का नकाशी बनाया गया, जो हाथी घोड़े और पशुओं को चढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए बनाया गया। तो इस रास्ते से हम चलते हैं सीधे सामने, और आप लोगों को सवा मंडप और भर्तृहरि जी का मंदिर और यहाँ से माँ गंगा की व्यू दिखाते हैं, जिसे देखकर लोग आकर्षित होते हैं यहाँ पर आने के लिए। तो उसके लिए बने रहिए, आपको दिखाते हैं हम आगे। चलिए तो आप लोगों को दिखा देते हैं माँ गंगा के तट पर स्थित, यानी तट के बगल में स्थित यह किला है। और आपको यहाँ पर दिखाई दे ये जो बाउंड्री वाल है, फोर्ट वाल इसे कहते हैं इंग्लिश में, और इसे कह सकते हैं जो किलाबंदी। तो किलेबंदी यहाँ पर आपको रास्ते जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, इस पर सैनिक को आने जाने के लिए बनाया गया था। और एक गुंबद आपको दिख रहा होगा, ये गुंबद कुछ ऐसे वरिष्ठ सैनिक के लिए बनाया गया होगा, जिसके अंडर में बहुत सारे सैनिक रहते हैं, तो उन्हें आराम वगैरह करने के लिए बनाया जाता है। और इस जो किलाबंदी है, इस किलेबंदी को राजा विक्रमादित्य ने कराया था, उनके भाई भर्तृहरि जो यहाँ के, इन्हें ही अपना वो समाधि लेने के लिए चले आए। और जब राजा विक्रमादित्य ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे शेर, बाघ, हाथी वगैरह जैसे जानवर, जो जंगली जानवर थे, उनसे खतरा हो सकता है, तो उनसे खतरा न होने के लिए राजा विक्रमादित्य ने इसको कराया था। तो आपको अब लेकर चलते हैं हम सोनवा मंडप की तरफ, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो दिख रहा है ये कारावास है, यानी जो कैदी हुआ करते थे उनके लिए यहाँ पर कारावास बनाया गया था। ये कारावास का पिछला हिस्सा है, और अब हम चलते हैं कारावास की तरफ। कारावास की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एक रास्ता है, इस रास्ते से हम जाएंगे कारावास की तरफ, और वहाँ पर भी सोना मंडप दिखाई देगा। तो यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो हमें सामने सबसे पहले मिलेगा रानी सोनवा का मंडप। तो मंडप से जैसा आप लोग प्रतीत कर रहे होंगे कि मंडप शादी विवाह में उपयोग किया जाता है, जो हमारे यहाँ भी इस समय प्रचलन चलता है हिंदू धर्म में। तो उससे पहले आपको यहाँ मिलता है हमें कुछ इस प्रकार का सुरंग। तो आपको दिखा दें यहाँ पर जो खूंखार कैदी या हारे हुए राजाएँ रहते थे उनको इसके अंदर बंद कर दिया जाता था, और उनको खाना देने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रास्ते बनाए गए थे, जो इस समय बंद हो गया है। बंद इसलिए हो गया है कि सेफ्टी को देखते हुए। और यहाँ पर आगे आपको दिखा दे कि यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कुछ इस प्रकार के व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जिन्हें जाली से बंद कर दिया गया है, लेकिन इसमें उस समय कांच के शीशे लगे हुए थे। और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश वगैरह, जो उस समय प्रकाश की कमी होती थी, तो प्रकाश के लिए ये सब बनाया गया है और बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 9 ठो बनाया गया है, और ऐसे 35 फीट में बनाया गया है। और जो यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता है वो आपको दिखा दें कि यहाँ से रास्ता है जिसके द्वारा कि कैदियों को अंदर ले जाया जाता था।
और यहाँ पर ये सारा कारावास है जो कि आप देख पा रहे होंगे, लोहे की गेट लगी हुई है, यह कारावास है। और सामने यहाँ पर आपको राजा भर्तृहरि का जो समाहित स्थल है वो दिखाई देता है। और अब हम चलते हैं इस सोनवा मंडप में। तो ये मंडप जो सैंड स्टोन यानी बिल्कुल पत्थर से बनाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार के लकड़ी वगैरह का यूज नहीं किया गया है। इसके फ्रंट पे हम चलते हैं। इसके कारण यह जुगनू की तरह चमकता था। और ये 52 पिलरों पर लगभग बना हुआ है। जो पिलर है सारे सैंड स्टोन पत्थर से बने हुए हैं। और आपको दिखा दें यहाँ पर जो ये छोटे छोटे आपको नक्काशी दिखाई दे रहे हैं, इसमें हीरे मोती और सोना वगैरह जड़ा हुआ था जो कि जुगनू की तरह चमकता था। और ये सब नक्काशी देख कर बहुत ही आश्चर्य होता है कि कितनी कठिनाई के साथ ये सब बनाया गया होगा। और आपको यहाँ पर दिखाएं तो जो मंडप का मुख्य द्वार यहाँ से है, ये मंडप का मुख्य द्वार है। तो जैसे कि हमारे यहाँ शादी विवाह में आप लोगों ने गेस किया होगा कि मंडप में तोता मैना को लगाया जाता है, जो कि यहाँ पर तोता मैना देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आशिक है अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार दिखता है यहाँ से जाने पर। और ये इसके अंदर गुंबद जैसा है और इसे इको साउंड प्रूफ बनाया गया है। इसमें जो हमारा आवाज़ है वो बिल्कुल अगर हम आराम से बोलते हैं तो भी ये गूंजने लगता है। और अंदर से व्यू कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पर आपको देख रहा होगा दरवाज़ा लगा है, इससे नीचे गुफा में जाने का रास्ता है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ इसे बंद कर दिया गया है। तो इसका व्यू कुछ इस प्रकार है। और इधर देखने को मिलता है जो राजा भर्तृहरि का समाहित स्थल है, उसके बगल में भी यहाँ पर कारावास है। और इस कारावास का यहाँ पर राजा भर्तृहरि का जो समाहित स्थल है वो हुआ है। और यहाँ पर देखिए जैसा कि लगा गया श्री विष्णु चरणाद्रि नैनागढ़ श्री राजयोगी भर्तृहरि नाथ जीवंत समाधि मंदिर है। और उसका कुछ उपदेश यहाँ पर दिया गया है। तो इस समय यह सुबह के समय में मंदिर बंद है। तो गाइस ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभागार घर है, यानी यहाँ पे सभा होता था राजाओं के समय में, राजा के सभा करने का ये स्थान है।
झरोखे यहाँ पर बनाए गए हैं। और आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं अगर तो यहाँ पर माँ गंगा का कुछ इस प्रकार झलक दिखेगा यहाँ से देखने के लिए। और राजाओं द्वारा जब सजा दिया जाता था तो इस जो कोठरी है यहाँ से नीचे ले जाया जाता था। ये लगभग गंगा माँ गंगा के तट पर स्थित है और वहाँ आपको दिख रहा होगा जो चुनार का पुल है जो माँ गंगा के तट पर बनाया गया है। तो गाइज आप अपना सुझाव दीजिएगा ज़रूर कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को हमारा जो विजिट था, हमने जो विजिट कराया, कैसा लगा? और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें प्रेरणा मिले आप लोगों को अच्छी से अच्छी जगह जो कि दिखाने में। और आप लोग अगर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, आप लोग विजिट कर दीजिएगा। और यहाँ का लोकेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।